हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम ये एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लेते हैं और इसके सराउंडिंग में हम ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इस गॉसियन सरफेस से ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो ये फील्ड लाइंस होंगी इस पॉइंट चार्ज Q के लिए। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा dA एरिया कट करेंगे। इस dA एरिया से जो फ्लक्स पास होगा वो d phi होगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू dA एरिया या क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हम लिख सकते हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो टोटल इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा उस फाई टोटल की वैल्यू होगी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीए। इस डीए एरिया से जो फ्लक्स पास होगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहां पर हम स्फेरिकल सरफेस के लिए ले रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये E डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये E इंटू डी ए हो जाएगा और डी ए स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो ये E इंटू 4πr², ये फाई टोटल की वैल्यू आएगी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अब हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। बाय गॉस लॉ तो ये फाई टोटल की वैल्यू होगी क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज स्मॉल क्यू हमने लिया है, ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहां पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε₀ क्यू अपॉन r². तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये स्फीयर में यूनिफॉर्म इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। तो फर्स्ट r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के आउटसाइड हम फाइंड करेंगे इस P1 पॉइंट पे। तो इसके लिए हम इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहां से जो फ्लक्स पास होगा वो हम फाइंड करेंगे इस स्मॉल r रेडियस की इस गॉसियन सरफेस से। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो देखिए, यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आउटसाइड। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए।
और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। यहाँ पे ये मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिए तो यहाँ से फाई टोटल की वैल्यू आएगी। E इंटू स्फेयर का एरिया होता है 4πr², ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, बाय गॉस लॉ तो ये फाई टोटल हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये हो जाएगा ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ई इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए R इज ग्रेटर देन कैपिटल R यानी इस स्फेयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो देखिए अब हम आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहां पर इस स्फीयर के अंदर यहां पर हम P2 पॉइंट ले लेते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहां पर टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो ये फाई टोटल की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। और यहाँ पर इस स्फेयर के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ई इंटू 4πr² क्योंकि स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होगा, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, बाई गॉस लॉ फाई टोटल ये होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके इनक्लोज चार्ज निकालने के लिए यहां पे हम डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q/V यानी 4/3πr³ करेंगे, ये कैपिटल आर क्यूब होगा। अब इनक्लोज चार्ज निकालेंगे तो Q इनक्लोज की वैल्यू जो होगी रो इंटू इनक्लोज वॉल्यूम लेंगे 4/3πr³। रो की वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल Q अपॉन 4/3π कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3πr³। तो 4/3π कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू इनक्लोज की वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो ये फाई टोटल आ जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे।
तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये होगा e इंटू फोर पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल r क्यूब एफ साइलेंट नोट। तो r स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नोट q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल r क्यूब। अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नोट q अपॉन r क्यूब कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर r इज लेस देन कैपिटल r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r के आएगी। अब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r इज लेस देन कैपिटल r के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल r क्यूब। ये r इज लेस देन कैपिटल r इस P2 पॉइंट के लिए आएगी। r इज इक्वल टू कैपिटल r के लिए यहाँ पर हम r की वैल्यू कैपिटल r पुट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल r स्क्वायर। और थर्ड r इज ग्रेटर देन कैपिटल r के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर r इज लेस देन कैपिटल r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r की होती है और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो यहाँ पर ये मैंने इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर लिया है और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए इसकी लेंथ हम स्मॉल एल ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसको हम लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो यहां से phi टोटल की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट dl और इस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होगा ये हो जाएगा e इंटू टू पाई आर एल, ये फाई टोटल की वैल्यू होगी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, बाई गॉस लॉ फाई टोटल इज इक्वल टू होगा q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज होगा q इनक्लोज ये लेमडा इंटू एल हो जाएगा, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये लेमडा इंटू एल अपॉन एफ साइलेंट नोट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये लेमडा अपॉन टू पाई एफ साइलेंट नोट आर के इक्वल आ जाएगी। तो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर के लिए इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है लेमडा पॉइंट टू पाई एफ साइलेंट नोट आर के इक्वल होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग प्लेन सीट यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सीट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, नॉन कंडक्टिंग है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहाँ पर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे गॉसियन सरफेस से। तो यहाँ पर ये मैंने सिलेंड्रिकल
गॉसियन सरफेस लिए, ये एरिया डीए होगा, तो इसमें तीन सरफेस होंगी, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहां पर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो देखिए फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा इसका एरिया डीए होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ से फाई वन की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए डॉट डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये ई इंटू डीए होगा। सेकेंड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा ये फाई टू की वैल्यू भी ई इंटू डीए होगी, और यहाँ पर थर्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा फाई थ्री, ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टोटल फ्लक्स आएगा फाई वन प्लस फाई टू यानी टू ई डी ए के इक्वल, फाई थ्री की वैल्यू जीरो है। अब इसमें हम गॉस लॉ लगाएंगे, बाई गॉस लॉ फाई टोटल ये क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होगा। अब यहां पर इनक्लोज चाय निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन डी ए होगा, तो यहां से क्यू इनक्लोज की वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगी, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट सॉरी फिफ्थ इक्वेशन, फोर इक्वेशन हो चुकी है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, बाई इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ, तो ये हो जाएगा टू ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एफ साइलेंट नोट, डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन टू एफ साइलेंट नोट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट लॉन्ग प्लेन सीट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, तो यहाँ पर ये कंडक्टिंग स्फेयर लिया तो इस पर चार्ज जो होगा इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्यू चार्ज इसकी कैपिटल आर रेडियस होगी, तो इसमें फर्स्ट आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो ये मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, ये गॉसियन सरफेस होगी, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा उसे हम लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो फाइ टोटल इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, और ये हो जाएगा ई इंटू इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें हम गॉस लॉ लगाएंगे, बाई गॉस लॉ फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एफ साइलेंट नोट, और यहाँ पर इनक्लोज चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, तो ये फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी।
तो कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, देखिए R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है वो इस कंडक्टिंग स्फेयर के आउटसाइड ड्रॉ की है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो ये phi टोटल की वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट डी ए, और यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे बाय गॉस लॉ फाई टोटल ये q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, और q इनक्लोज की वैल्यू कैपिटल Q होगी। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, यानी स्फीयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर।